जहां देश में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, वहीं गाँव में सरपंच इन बातों का मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात बलवाड़ा पंचायत में देखने को मिले, जहां ग्राम पंचायत बलवाड़ा में विगत कई वर्षों से सफाई कार्य के मामले में शून्यता दिखाई दे रही है। आज ऐसा ही एक मामला वार्ड क्रमांक 19 के चौधरी मोहल्ले में पेश आया, जहां सफाई की शिकायत से राधेश्याम पिता हेमराज ने कि उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से हमारे वार्ड में नाली सफाई का कार्य नहीं हुआ, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत बलवाड़ा में आकर कई बार हमने की, किंतु सरपंच द्वारा कार्य को टालमटोली की गई और शिकायत हमने कलेक्टर और एसपी खरगोन तथा सीओ बड़वा से भी की, तब जाकर आज सरपंच प्रतिनिधि बलवाड़ा द्वारा हमें बुलाकर जल्द ही नाली साफ करने का आश्वासन दिया है। बड़वा से संवाददाता की रिपोर्ट। क्या मामला था आज आपका पंचायत में? पंचायत में ये मामला नाली का विवाद था हमारा, हमारे पीछे घर के पीछे नाली हमारी है, पंचायत ने जो बना के दी थी हमारे, उसमें घटा होने के कारण जो है स्थानीय जो वहाँ के दो व्यक्ति हैं पन्नालाल और रोटीलाल, वो दोनों हमारे नाली से पानी नहीं जाने देते थे और उसमें कचरा डाल देते थे, और उसके कारण हमारा थोड़ा सा उनसे बोलचाल हुई थी, तो उनको याद करा उन्होंने हमारे को, ज़्यादा परेशान करते रहते थे, और इसलिए हमने जो है पंचायत में और सी ओ साहब को भी लिख के दिया लेकर, हमारी लड़ाई होने के बाद में हमने जो है उसके बाद में आज जो है पंचायत ने निराकरण करा है उसका, नाली बनाने का, जिस का गड्ढे भरने का, जो वो घर भर के देंगे और वो नाली का पानी जो भी सफाई करने का हमने बोल रखा है तो हम भी साफ करेंगे। क्या आप संतुष्ट हो आज के निर्णय से? हाँ, संतुष्ट तो है, इनके पंचायत के निर्णय से वो बना के मतलब सही साथ दे दे और हमारा पानी अगर जाने लग जाएगा तो हम संतुष्ट रहेंगे उसके लिए, नहीं तो जो भी हम हमें आगे करके देंगे। क्या नाम आपका? राजेश, मेरा नाम है। कौन से वार्ड से हो? 19 नंबर। क्या मामला आया था आज ग्राम पंचायत पर? ग्राम पंचायत में नाली सफाई संबंधित शिकायत थी, आपसी विवाद भी था स्थानीय लोगों का, तो उनके द्वारा पुलिस में भी कंप्लेन की गई थी, पुलिस हेतु आज इन दोनों पक्ष के लोगों को पंचायत बुलाया था और प्रधान जी के मार्गदर्शन में सभी को बुला करके यहाँ पे चर्चा की गई। नाली सफाई का मामला आया, नाली ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी नाली है, दो बाल्टी पानी में अगर डालें तो नाली साफ हो जाती है, पर वो दोनों पक्षों में एक दूसरे में ये लगा हुआ है कि ये करेगा वो कहता है ये करेगा, तो आज दोनों को समझाइश दे दी गई है, दोनों मान ली बात है ग्राम पंचायत का, उसमें थोड़ा सा काम ये है कि दो तगारी रेत मिट्टी जो भी लगती है, रेत वगैरह सीमेंट जो लगेगी, उससे नाली का भराव करके उसको पानी मतलब नाली को स्लोप में करना है, ये करने के बाद इनका आपसी बात खत्म हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है कि आप ऐसा कर देते हो तो हम भविष्य में आगे नहीं लड़ेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हो, दूसरी तरफ पिछले 6 वर्षों से बलवाड़ा में नाली सफाई का कार्य नहीं हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, स्वच्छता का काम निरंतर चलता है पर वो किसी क्षेत्र में किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो क्षेत्रों में 6-6 वर्षों तक कारण किस कारण से रुका हुआ है? नहीं, कुछ क्षेत्र बिल्कुल छोटी नालियाँ हैं जहाँ एक बाल्टी दो बाल्टी पानी अपन डाले हैं तो नाली साफ हो जाती है, और जिसमें स्वच्छता में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो स्वच्छता का काम करते हैं स्वीपर भाई, उसमें ठेकेदारी प्रथा इनकी बंद नहीं होने से सबसे बड़ी समस्या वो ठेकेदारी प्रथा आ रही है। अभी भी पिछले 8 दिन पहले एक मोहल्ले में शुरुआत करी नाली सफाई की, बाहर से मजदूर बुलाया लेकिन जो स्थानीय जमादार है उसने आकर के उस काम को रुकवा दिया कि मैं मेरे बिना पूछे बाहर का आदमी कैसे काम कर रहा है, चूँकि वह व्यक्ति खुद काम तो करता नहीं, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है, एक इस कारण से भी मतलब गांव में स्वच्छता या सफाई काम करने में दिक्कत रहती है। इस संबंध में आपने किसी से चर्चा करी जमादार काम नहीं करने दे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।